अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, ये देखिए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अक्षय चैनल। आज जो वीडियो होने वाला है वो ना ही कोई ट्रैवल ब्लॉग है और ना ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो होने वाला है एक जयंती, क्योंकि है माता रमाई अंबेडकर जी का जयंती आज है। तो उस जयंती के अवसर पर हम आज कुछ फल और फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जो कि लेडी लोगों को, तो उसी के रिलेटेड आज वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते आज क्या क्या होता है। देखिए अभी जस्ट हमने यहाँ पे जो माता रमाई है उनको अभी सबने अभिवादन किया है, उनको हमने आरती पहनाया है अभी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे क्रांति चौक पे खड़े हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पुतले के सामने, तो यहीं पे हम सभी अभिवादन कर रहे हैं। और आज का जो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है तो इन लोगों ने किया है, तो ये सब उनके फॉलोअर्स है और मैं भी उनका फॉलोअर हूँ। तो देखो ऐसा सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी, और आप लोगों ने भी ऐसा मदद करना चाहिए अगर किसी का भी जयंती रहेगा, और हेल्प करो दूसरों को भी और सबको भी। तो अभी हम सेंट्रल बस स्टैंड में आए हैं औरंगाबाद के, और देखिए अभी यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबको बांट रहे हैं जो भी ज़रूरतमंद है उसको। और मैं कैमरे पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अच्छी चीज़ें करते हैं तो वो दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और अभी हम जाने वाला है घाटी के हॉस्पिटल में जो कि औरंगाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे भी हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये देखिए ये सारी गैंग आई थी, तो गैंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जस्ट मुँह से निकल गया गैंग, तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, ये देखिए। तो ये जो सब है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी हम आए घाटी के हॉस्पिटल में और यहाँ पे अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ। और ये जो है वो घाटी का हॉस्पिटल है सबसे बड़ा औरंगाबाद। देखो अभी ये सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैंने भी दो तीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बट मैं कैमरे पर नहीं आना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे लोग है जो कि बहुत गरीब होते हैं, तो उनके लिए हम अभी ये सब कर रहे हैं। और आप सभी लोगों ने इंस्पायर होकर ये सब चीज़ करना चाहिए, क्योंकि फालतू में इधर उधर पैसा का देने से अच्छा है कि किसी की मदद करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जितने भी आपको कैरेट दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो पूरा पाँच कैरेट भर के हमने केली लाया था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और ऑलमोस्ट अभी वो ख़त्म हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं समता मेमोरियल में। और देखिए ये है घाटी हॉस्पिटल, और ये हम सब लोग हैं। तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म होने के आ चुका है अभी, तो फिर भी अभी देखते हैं क्या क्या बाकी है। तर आता आम्ही आलो आहे विद्यापीठामध्ये, जिथे आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सर्वात मोठी मूर्ती, ठीक आहे, औरंगाबादमधली। तर आता आत्मेच आम्ही जातो आहे तिकडे, बाबासाहेबांचे दर्शन आम्ही घेणार आहे, आणि माता रमाई आंबेडकरांचा सुद्धा तिथे फोटो लावलेला आहे, तिथे सुद्धा आम्ही अभिवादन करणार आहोत। चला तर आत्मे। तर हा पुतळा इथे बसवण्यात आलेला आहे, याला कमीत कमी 5 ते 6 वर्ष झालेले आहेत बसवून, आणि बाकी छान असा पुतळा आहे। आणि ही जी युनिव्हर्सिटी आहे हिचं नाव आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, मातोश्री रमाबाई आंबेडकरांचा विजय असो, अरे आवाज कुणाचा स्टुडंट इंडियाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, अरे मातोश्री रमाबाई आंबेडकरांचा विजय असो।
पूरा हाफ उधर है। तर आज 7 जानेवारी 2022 तर आज आहे माता रमाई यांची जयंती। तर या जयंती निमित्ताने आम्ही गरजू व्यक्तींना फळं वाटप केलेले आहेत आणि तुम्ही बघितलं असेल की कुठलीही जयंती असली महापुरुषांची तर खूप जण डीजे वाजवतात आणि नाच वगैरे करतात, तर ते सुद्धा तुम्ही करायला पाहिजे, पण त्यासोबत सोबत तुम्ही इतरांना मदत होईल असे काही गोष्टी करायला पाहिजे। आणि हे जे स्टुडंट आहेत त्यांनी सगळ्यांनी मिळून त्याच्या स्वखर्चाने गरजू व्यक्तींना फळं वगैरे वाटप केलेले आहे, जे की आम्ही घाटीमध्ये केलेले आहे, जे की औरंगाबादमधील सर्वात मोठं हॉस्पिटल आहे तिथे केलेलं आहे। आणि रस्त्यांनी येताना जे कोणी आम्हाला गरजू दिसले आहे त्यांना सगळ्यांना आम्ही केळे वाटप केलेले आहे। तर तुम्हीसुद्धा असं एक कार्यक्रम करू शकता, म्हणजे ह्या व्हिडिओचा एक संदेश असा आहे की तुम्ही जर कुठलंही काम करत असाल तर समाजाला काहीतरी तुमच्याकडून मदत झाली पाहिजे असं काहीतरी तुम्ही काम करा, तेच तुम्ही यांच्याकडून शिकले पाहिजे आणि त्या आयुष्यामध्ये त्याचा वापर करायला पाहिजे। आम्ही सर्वांनी मिळून काही फळं वगैरे दिलेली आहेत गरजू व्यक्तींना, जे की आम्ही घाटीच्या हॉस्पिटलमध्ये वाटलेले आहे आणि जे कोणी रस्त्यावरती आम्हाला दिसले गरजू लोक त्यांनाही वाटलेलं आहे। तर अशा प्रकारे आम्ही आजची जयंती साजरी केली आहे आणि जो कोणी पण हा व्हिडिओ बघत असेल तर त्यांना आम्ही एकच संदेश देऊ इच्छितो की तुम्ही डीजे लावा सगळं चालेल, काही हरकत नाही, पण असेसुद्धा कार्यक्रम तुम्ही करायला पाहिजे जेणेकरून इतरांनासुद्धा तुमची मदत होईल। चला तर आता व्हिडिओला इथेच एंड करूया। आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून कळवा आणि माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा आणि सबस्क्राईब करा। चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या, मास्क लावा आणि हेल्मेट नक्की वापरा।